हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। जैसा कि आप सभी लोग प्रीवियस क्लास में पेज नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए थे, और आज पेज नंबर 12 में देखेंगे जो आज का टॉपिक है, फेमस मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो फेमस मोनूमेंट्स है और प्लेसेस है वो इंडिया के बारे में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट। आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे अपने कंट्री का प्राउड है। ओके, तो स्टूडेंट्स मुझे भी है और आप सभी लोगों को भी है प्राउड। ओके, जैसा कि हम सभी लोग इंडियन हैं तो हमें प्राउड होना चाहिए अपने कंट्री पे। जो हम लोगों की जन्म जो हुई है वो इंडिया में हुई है, और इंडिया में आप बहुत सारे ऐसे फेमस मोनूमेंट्स को देखते होंगे, या बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो आपको बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो फेमस मोनूमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे कंट्री में, जो फॉरेनर होते हैं या अलग कंट्री से जो बिलोंग करते हैं, उन लोग भी आते हैं विजिट करने हमारे कंट्री में, और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो हमें अपने कंट्री पे गर्व करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि देखेंगे बुक में, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, मुझे प्राउड है अपने कंट्री का। इट इज़ अ लैंड ऑफ ब्यूटीफुल एंड एटोनाइजिंग मोनूमेंट्स एंड प्लेसेस। ओके, तो या ब्यूटीफुल लैंड है। ओके, और आश्चर्यजनक मोनूमेंट्स है यहाँ पे, और बहुत सारे आश्चर्यजनक प्लेसेस हैं। लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिट इंडिया टू सी दिस मोनूमेंट्स। तो बहुत सारे अधिक संख्याओं में टूरिस्ट लोग जो होते हैं वो इंडिया में आते हैं ये फेमस मोनूमेंट्स को देखने के लिए। ओके, तो पिक्चर्स ऑफ सम द फेमस मोनूमेंट्स आर गिवेन बिलो। तो कुछ फेमस मोनूमेंट्स का पिक्चर नीचे दिया गया है। ओके, टेक द करेक्ट नेम ऑफ द सिटी वेयर इच वन इज सिचुएटेड। तो आपको टिक करना है जो ये फेमस मोनूमेंट्स कौन से सिटी में सिचुएटेड है। ओके, तो ये करेक्ट सिटी में आपको टिक करना है। ओके, जैसा कि आप फर्स्ट में देख रहे हो, जो ये पिक्चर है ये ताजमहल का पिक्चर है। ओके सुजन, तो जैसा कि ताजमहल कहाँ पे सिचुएटेड है देखते हैं, आगरा, दिल्ली, जयपुर। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आप सभी लोगों को ये आंसर पता होगा कि आगरा में ये ताजमहल सिचुएटेड है, तो आप आगरा सिटी में टिक कर देंगे। सेकेंड में देखेंगे हवा महल। ओके, तो ये हवा महल का पिक्चर है, और हवा महल आपका सिचुएटेड है जयपुर में। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं, थ्री ऑप्शंस में एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है जो करेक्ट है। ओके, तो जयपुर में आप यहाँ पे टिक कर देंगे। थर्ड में देखेंगे बुलंद दरवाजा। ओके, तो बुलंद दरवाजा कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, मथुरा, मुंबई की, आगरा, फतेहपुर सिकरी। ओके स्टूडेंट्स, तो जो बुलंद दरवाजा है वो आगरा फतेहपुर सिकरी में सिचुएटेड है। ओके, फोर में देखेंगे स्टूडेंट्स चार मीनार। ओके, तो चार मीनार दिल्ली में सिचुएटेड हैदराबाद की भोपाल। तो स्टूडेंट्स आपका जो चार मीनार है ये दिल्ली में सिचुएटेड है। ओके, तो आप दिल्ली में टिक कर दोगे। फिर देखोगे फाइव में दिलवारा टेम्पल। ओके, तो दिलवारा टेम्पल में ऑप्शंस जो दिए हुए हैं जयपुर, भोपाल, माउंट आबू। ओके, तो स्टूडेंट्स आप दिलवारा टेम्पल को माउंट आबू में टिक कर लोगे। ओके, तो माउंट आबू आबू में ये सिचुएटेड है। सिक्स में देखेंगे सांची स्तूप। ओके, तो सांची स्तूप मुंबई में सिचुएटेड है, आगरा में कि विदिशा एमपी में। स्टूडेंट्स, तो ये एमपी विदिशा में सिचुएटेड है। ओके, सांची स्तूप, जैसा कि ये सांची स्तूप है। फिर देखेंगे सेवन में हावड़ा ब्रिज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हावड़ा ब्रिज है जो आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये कोलकाता में सिचुएटेड है। सारनाथ, स्टूडेंट्स सारनाथ हम सभी लोग बहुत ही इसे इजीली जानते हैं, और हम सभी लोग यहाँ जाते भी हैं। ओके, यहाँ से पास भी पड़ता है, तो सारनाथ वाराणसी में सिचुएटेड है, वाराणसी में आप टिक कर दोगे। ओके, अब यहाँ देखोगे नाइन में सन टेम्पल।
ओके स्टूडेंट, तो सन टेम्पल बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ओके ये थ्री ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये थ्री ऑप्शन में जो आपका उड़ीसा है ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उड़ीसा सिटी में टिक कर देंगे। ट्रेन में देखेंगे गेटवे ऑफ इंडिया, ओके तो गेटवे ऑफ इंडिया आगरा, कोलकाता, मुंबई, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट, जैसा कि ये गेटवे ऑफ इंडिया है। इलेवन में देखेंगे विक्टोरिया मेमोरियल, ओके स्टूडेंट्स, तो ये कोलकाता में सिचुएटेड है, दिल्ली में कि मुंबई में, तो स्टूडेंट्स विक्टोरिया मेमोरियल जो है वो कोलकाता में सिचुएटेड है। ओके फिर देखेंगे लास्ट यहाँ पे है 12 नंबर में, जो ये पिक्चर है सन थॉम बेसिलिका, ओके तो ये आपका चेन्नई में सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हो, तो इस तरह से हमने फेमस मोनूमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया। इसके अलावा भी रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, ओके तो बहुत सारे ऐसे फेमस मोनूमेंट्स हैं जो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर सकते हैं। ओके तो आप इसे कंप्लीट करेंगे और व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। थैंक यू।